हमारा बीच बानी बक्सर सदर विधायक संजय कुमार तिवारी जी और मुना तिवारी जी हम आज यहाँ से आयल बनी भोजपुरी पर कुछ चर्चा करे खाती। और वह एगो चीज बताई, आज भोजपुरी के जौन अश्लील रूपी दोहन हो रहा बा, कलाकार लोग धड़ल्ले से खराब खराब गीत समाज में परोस रहा बा, ए पर और का विचार बा, का सहमति बा, का करे के चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो राउ स्वागत बा कि ये विषय पर हमारा से रुआ विचार लेवे खातिर हमारा बीच होनी रुआ हम धन्यवाद देतनी। आ रहल बात भोजपुरी में अश्लीलता के, तो पूर्व से भी हमनी के एकरा पर एक विरोध करत आई बनी, या हरेक मंच से हरेक स्टेज से हरेक कलाकार के समझा के बुझा के, चूँकि हमनी के भोजपुरी ऐसा एगो मातृभाषा भी आ जो में रस टपकेला, लचीला होले, रसीला होले हमनी के भोजपुरी, लेकिन ये भोजपुरी के भावनापन रूप देवे खा जौन कलाकार प्रतिबद्ध बने, जौन कवि प्रतिबद्ध बने, हम तो एगो कमेटी के मांग करता कि वो कमेटी एगो संगठन बने, आ जौन कवि ऐसा गीत परोसस, जौन सिंगर ऐसा गीत गावस, उनका पर एगो FIR हमनी के एक संगठन के माध्यम से हमनी के FIR कर जाओ, ताकि भोजपुरी के अश्लीलता में बंद हो, आ हमार भोजपुरी, हमनी के भोजपुरी अष्टम सूची में शामिल हो जाए। एगो चीज बताई, यूट्यूब खुलला के बाद जैसे हर जगह होला कि हई बढ़िया चीज देखल जाओ, हई बढ़िया चीज देखल जाओ, लेकिन यूट्यूब खोलला के बाद दिखल जाता भोजपुरी का सबसे अश्लील गीत, भोजपुरी का सबसे खराब दमदार गीत, एगो चीज समाज में इतने कैसन परोसल जा रहा बा, जो नवा नया लड़का बा जरा समझ में नहीं खेवत, वो खोल के देखत आज समाज और दिशा भटक रहा बा भोजपुरी के प्रति, ए पर उनका सुझाव। देखिए, सबसे पहले तो हम एक पर विचार दे, जौन पुरान गायकी बा हमनी के, चाहे वो भरत शर्मा जी या वो गायकी के परोसत रहे, भिखारी बाबा के प्रस्तुति बा, बबन जी के प्रस्तुति बा, या हनुमान पट्ठा के प्रस्तुति बा, प्रस्तुति तो अनेको बड़ी सब, लेकिन हमनी के सुनाओ वाला काम वो कलाकार लिखन करो, उसे हमनी के नौजवान पीढ़ी जो बिया बहक रहल बिया, बरगला रहल बिया, भिखारी बाबा के जब गीत अगर परोसल जाए तो निश्चित रूप से मुर्दा में भी जाना जाला, मुर्दा में भी जाना जाई, ऐसा भिखारी बाबा के गीत बाड़ी सब, तो प्रस्तुति करे वाला कलाकार भी बने, लेकिन हमनी के वो चीज से भटक रहल बनिया, आ युवा पीढ़ी तक खास करके भटक गई बिया, यही पर अंकुश लगावे खातिर हम एगो सलाह देनी है कि हमनी के एगो संगठन बने, एगो समूह बने, कि ऐसा गीत गावे वाला कवि जो गीत परोसत रहे, जो सिंगर गावत रहे, उनका पर कार्रवाई होके FIR के माध्यम। अच्छा, कुछ और बताइए, वेब जैसन कंपनी जो सबसे बड़ा कंपनी कहल जाला, वेब जैसन कंपनी लिखतिया भोजपुरी का सबसे अश्लील गीत, सबसे खराब गीत, तो नहीं यूट्यूब खोलला के बाद रुआ पढ़ ले बोल ना पाई, ऐसा कोनो शब्द नहीं खे जो लड़का लड़की के अंग प्रत्यंग, लड़का लड़की के नाम लेके नहीं गई गल, समाज ऐसे हमारा लगता है कि बहुत परेशानी के दौर में जा रहा बा, रुआ एगो हम ही चाहब श्रोता आ प्लस कंपनी के एगो आग्रह करी, ऐसे कि रुआ चाहता है समाज के नौजुआ पीढ़ी भी रुआ के आदर्श माने ले, और वह हर मंच पर जाइल तो जरूर कहिला कि हम बैठल बानी तो एगो चीज क्वाड खोल के सुन ले, कि हमारे हर जगह सुन ले बने हर मंच से कि केहू भी भलगर गीत ना गाई, बढ़िया गाई, भोजपुरी के बढ़िया बनाई, तो रुआ एगो समाज से कम अपन आग्रह करी, विनती करी कि रुआ सब खराब गीत सुनी मत, कंपनी से आग्रह करी कि रुआ खराब गीत रिकॉर्ड मत करी, आप गायक गायक लोग से करी खराब गीत गाई मत, राइटर से करी खराब गीत लिखी मत। निश्चित रूप से बात में सच्चाई बा, लेकिन आज पैसा खातिर कौनो कंपनी होके, वेब कंपनी होके, टी सीरीज कंपनी होके, चाहे जौन कंपनी होके, पैसा खातिर ये लोग ऐसा गीत गवावता अपने स्टूडियो में और समाज के परोसे काम करता, तो हम ऐसा कवि लोग से, ऐसा सिंगर लोग से, ऐसा साउंड सिस्टम वाले लोग से हम करबद्ध प्रार्थना करतनी कि भोजपुरी में अश्लीलता से बचावे के बा, और हमनी के भोजपुरी के अष्टम सूची में शामिल करे खातिर भलगर गीत न गा के हमनी के पुरन की प्रस्तुति अगर सुनम जा, तो इसे नौजवान पीढ़ी के बल मिली, हमनी के सही दशा और दिशा मिली। राउर नाम? संजय कुमार तिवारी, सदर विधायक बक्सर। राउर परिचय? भरत सिंह यादव, पूर्व जिला राजद अध्यक्ष। अच्छा, एक चीज बताइए, भोजपुरी में अश्लीलता के लेकर राउर अपन का विचार बा?
देखिए आज के जो सिंगर हैं बाबा ने बहुत तिवारी जी ने स्पष्ट कहे कि आज के जो कलाकार हैं वो धरातल की बात जो न कहकर जो बाबा ने कहे कि जो भिखारी ठाकुर भरत शर्मा ये लोग गाते थे तो सूखल पेड़ भी हरियर हो जाता था। आज के जो स्थिति है जो गायक ना परिवार में सुन सकते हैं ना बाहर सुन सकते हैं, ये सब अश्लील का सीमा पार हो चुका है, अब भोजपुरी को ये लोग समाप्त कर देंगे। अच्छा कुछ बताए हम जो मुहिम चलौले बने एक समर्थन रही या ना रही? समर्थन रही, बिल्कुल समर्थन रही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राहुल परिचय। हमारा नाम शेष नाथ सिंह हुआ, सिविल कोर्ट में वकालत करेगा, पूर्व महासचिव रहे जिला देवता संभव से। तो कुछ बताइए आज भोजपुरी में अश्लीलता लेके चारों तरफ कहर मचल बा, समाज में एकदम व्याप्त रूपी अश्लीलता फैल गई बा, एकदम कोड़ के तरफ पकड़ ले जाता है पर और खत्म करे खातिर का सुझाव बा? सबसे बड़ा हम आग्रह करो वो गायक संगीतकार से यौन अश्लीलता के दूर करके अश्लीलता के दूर करे खातिर अपना ओर से पुरजोर प्रयास करस और समाज के जौन आदर्श देवे के चाहिए वो आदर्श प्रस्तुत करस जौना से सभ्य और सुसंस्कृत समाज के निर्माण हो। और युवा पीढ़ी वह पसंद कर ले ये बात बिल्कुल गलत बा, हमनी के युवा पीढ़ी के आ भी भोजपुरी संस्कृति के संस्कार बा कि अच्छा से अच्छा चीज़ हमनी के ग्रहण कर ले जा और के समाज के योगदान दे ले जा समाज में। इस भोजपुर से अनेक ऐसा साहित्य निकलल बा जमुना के गठन हिंदी साहित्य से लेके संस्कृत साहित्य तक ले गई बा, तो ये स्थिति में हम यह आग्रह करब कि वहाँ सब है ऐसा समाज के संरचना पर जोड़ दी जो एगो आदर्श समाज होके और सुसंस्कृत समाज बने जो भारत के मजबूत करे में सहयोगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सामने बने विधायक जी, हम चाहब कि रउआ नेतृत्व में आज बहुत लोग एजा जुटल बनी, सब लोग बानी एजा हर क्षेत्र के बानी, तो काहे ना एगो हमने के शपथ दिहल जा के आज से भोजपुरी के ना गीत केहू के सुने दिहल जाए ना सुनल जाए? भोजपुरी के अश्लील गीत हमने के ना सुनम जा आना सुने देम जा आना गावे देम जा। हम आज व्यक्तिगत रूप से अपना समाज के सामने इस शपथ लेता नहीं। हम बताओ तो नहीं, हम सबको एक एक हाथ आगे कर लो, आज से हमने के कोनो अश्लील गीत न सुनब जा आ न समाज में सुने देव जा। भोजपुरी के अश्लील गीत समाज में कोड़ के तरफ फैलल जाता, एकरा के हमने के समाप्त करब जा। आज से ही शपथ लेते हैं जा हमने के, जय भोजपुरी जय भोजपुरिया, जय भोजपुरी जय भोजपुरिया। धन्यवाद।